अस्सलामुअलैकुम क्लास, बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 इज अबाउट फूड लेबलिंग और न्यूट्रिशन लेबलिंग। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ लेक्चर हमारे पास है कि उस फूड लेबलिंग क्या है। फूड लेबलिंग के अंदर हम न्यूट्रिशन फैक्ट देखेंगे, इसके अलावा हम उसके ऊपर हेल्थ क्लेम्स देखते हैं, सिंबल्स एंड मोनोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशनल लेबल्स, व्हाट इज अ फूड लेबल। ठीक है, बेसिकली फूड लेबल क्या होता है। फूड लेबल कोई भी ऐसा फूड लेबल होता है आपके पास, जिसके ऊपर आपके पास किसी भी पर्टिकुलर फूड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, अबाउट उसकी जो यूजेज, जो एक्सपायरी होती है, उसके अंदर जो प्रिजर्वेशन होते हैं, या जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड होती है, या फिर उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है उसका एड्रेस वगैरह मेंशन होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फूड मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ठीक है, इट हेल्प्स अ कंज्यूमर टू लर्न अबाउट। ठीक है, हमारे पास क्या करता है, जो भी किसी अथॉरिटी या जो भी किसी फूड ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास आती है अबाउट द फूड। और इसके अलावा क्या हेल्प करता है हमें, हमें पता चलता है कि व्हाट वी आर बाइंग, द इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्ट एंड द न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, लेट सपोज वी आर बाइंग मिल्क, तो हमें पता है मिल्क ले रहे हैं, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना है, अनसैचुरेटेड फैट कितना है, इसकी मतलब इसका पोर्शन साइज क्या है हमारे पास, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। मोस्टली जो हमारे पास एक मिल्क पैक होता है या कोई एक भी, उसके अंदर ऑलमोस्ट 118 टू 90 कैलोरीज हमारे पास होती है। ठीक है, और फिर इसी के साथ भी उसकी सर्विंग के अंदर हमारी जो पर डे सर्विंग होती है उसके अंदर उसका कुछ सेंस में होता है, मतलब टू बिस्किट्स हैं तो इट्स इज इक्वल टू, पता नहीं 500 मिलीग्राम सर्विंग इज इक्वल टू, वो पर डे के हिसाब से 2000 में से निकाल किस तरह से होता है। ठीक है, What should food label tell us? ठीक है, अब food label में हमारे पास कौन सी information होनी चाहिए। Food label के ऊपर दो तरह की information होती है, आप एक आपके पास mandatory होती है जो कि आपने लाजमी उसके ऊपर लगानी होती है, एक voluntary होती है जो कि manufacturer की तरफ से अपनी तरफ से कुछ claims या कुछ extra knowledge उन्होंने लिखी होती है। ठीक है, mandatory is the manufacturer packer has to include by law। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास calorie, serving size और एक्सपायरी डेट वगैरह जो है ये मैंडेटरी है। वॉलेंट्री में होते हैं जब आपके ऊपर कोई क्लेम करे कि इनरिच विद एक्स्ट्रा विटामिन और इनरिच विद एक्स्ट्रा कैल्शियम। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको हम लोग वॉलेंट्री ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर वन, जो भी कोई फूड आइटम हो उसके जो स्टेटमेंट होती है ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, वो पता होनी चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब जैसे अब ये पैसिफिक फूड्स है और इनका ये टोमेटो बेजल सूप है। ठीक है, सिर्फ टोमेटो नहीं है, टोमेटो बेजल है और ऑर्गेनिक भी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जो नेट कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इसके अमाउंट या नेट कंटेंट है वो लिखते हैं। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है कि इसके अंदर कौन से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर वाइटामिन सी है, इसके अंदर फैट्स है, इसके अंदर कैल्शियम की एडिशन है। ठीक है, ये इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, टोमेटोस है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है आप लोगों ने। और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर का एड्रेस होता है, ठीक है, कहाँ की कंपनी है, कहाँ सिचुएटेड है, ये कहाँ से आके कहाँ इसकी पैकेजिंग वगैरह हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती है। ठीक है, मैंडेटरी लेबलिंग के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन लॉ ऑल फूड प्रोडक्ट्स मस्ट शो द फॉलोइंग बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट नेम, कंट्री नेम, वेट ऑफ प्रोडक्ट, शेल्फ लाइफ इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है। वॉलेंट्री में क्या होता है, हेल्थ क्लेम्स, ये सिंबल्स एंड मोनोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब ये जैकिन नेस्ले बुनियाद में क्या होता है, रिजाई ताकत के साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा वॉलेंट्री उसके ऊपर वो चीज मेंशन की गई है। इस तरह ये जो सिंबल्स और मोनोग्राम्स होते हैं, somehow they are must or somehow आप इसको वैसे भी voluntary भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे local products हैं वो तो हमें पता है कि हलाल है, पर उसके ऊपर वो क्या होता है, voluntarily उसके ऊपर उन्होंने ये हलाल का logo लगाया होता है। ठीक है, rules and regulation क्या है हमारे पास, रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों का, क्योंकि मैंने फॉरन डाले हुए थे, टूडेज फूड लेबल रूल्स एंड रेगुलेशन आर डिवेल्प बाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एक्सेप्शन टू द रूल्स। ठीक है, अब एक्सेप्शन उन चीज़ों के बारे में बात की गई है जिन चीज़ों के ऊपर मतलब न्यूट्रिशनल लेबलिंग करना या उनके ऊपर
जरूरी नहीं होता और नहीं होता मोस्टली उन चीजों के ऊपर, वो ऐसी न्यूट्रिशन लेबलिंग आपके पास नहीं होती। वो एक्सेप्शन कौन सी है? हमारे पास प्लेन कॉफी एंड टी, ठीक है, जो कॉफी एंड टी होती है उसके ऊपर इतनी खास, बहुत कम कंपनीज का होता है, मेजोरिटी ने उसके ऊपर कोई न्यूट्रिशन लेबलिंग नहीं की होती, ठीक है। इस तरह ये जो मिर्चें हो गई या जो फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, मसाले हो गए, इनके ऊपर भी नहीं होती, ठीक है। फूड एडेड पैक एंड सैंपल साइज नॉट रिफ्लेक्टिंग अ यूजुअल सर्विंग, ठीक है, सैंपल साइज में जो आपके पास होते हैं, मतलब जैसे आप अगर कैसे चेक करवाओ, अपने माइक ऑफ कर दिया करें, सैंपल साइज जो होता है हमारे पास, कि आपके सैंपल साइज की अगर आपको एग्जांपल नहीं आता तो आप देख लें, जब आप कैफेज वगैरह में जाते हो या जो फूड कोर्ट में होते हैं जहाँ पे आप लोग फूड लेते हो, कंज्यूम करते हो, उसके उसके साथ जो आपको सॉल्ट पेपर या शुगर वगैरह कॉफी के साथ मिलती होती है, तो वो बस प्लेन पैकेट होती है जिसके ऊपर लिखा होता है ब्राउन शुगर या वाइट शुगर, ठीक है। उसके ऊपर ऐसा कोई ये नहीं लिखा होता है कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, ये चीजें होगी, ठीक है। तो सैंपल साइज के ऊपर भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। देन रेडी टू ईट फूड जो होते हैं, जो प्रिपेयर होते हैं ऑन द साइड, ठीक है, जो आपके पास ये जो आप वेंडर्स से गोलगप्पे या इस तरह की कुछ चीजें वगैरह लेते हो, दही बड़े वगैरह, उसके ऊपर कोई न्यूट्रिशन लेबलिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सेम गोज फॉर द फ्रूट वेजिटेबल फिश एंड पोल्ट्री दैट यू परचेज फ्रॉम द ओपन शॉप्स, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को थोड़ी सी एग्जाम्पल डाल दी थी, ठीक है, इस तरह की है, रेडी टू ईट फूड की है, और ये जो व्हाइट शुगर का है, तो ये आपके पास सैंपल साइज है, ठीक है बेटा। जो मेरे गले में दर्द है, तो अगर मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ ना, तो जरा गौर से सुने, ठीक है। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द फूड, ठीक है। अब आपके पास आ जाए कि नेम ऑफ द फूड, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेम बड़ा ही स्पेसिफाइड करके होना चाहिए, मतलब जो लेने वाला है उसको उसके नाम की समझ आनी चाहिए, ठीक है। बहुत आउट ऑफ द वे नाम मत रख दिया करें अपने प्रोडक्ट्स के, ठीक है। उस प्रोडक्ट के नाम का आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ कोई लिंक होना चाहिए, गुड एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। अभी जो आजकल हमारे पास कैसी चीजें आ रही होती हैं, आजकल तो रमजान है, आपने ऑयल वगैरह के कमर्शियल्स देखे होंगे, किसी का क्या नाम है तो किसी का क्या नाम होता है, ठीक है, फिजूल से नाम रखे होते हैं जिसका उस प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं होती उस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एग्जांपल लेनी है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये चीजें आपने मेंशन करनी होती है, यूजुअली इन द एरिया वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है, वो नाम जो है जहाँ से वो प्रोडक्ट आ रहा है वो नाम वहां कॉमन होना चाहिए, लोगों की सेंस में होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेस्टोरेंट्स अपने लोकल नामों से होते हैं हमारे पास, हम उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, पर हम उनकी उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं जिनके नाम थोड़े से चेंज होते हैं, जापानीज, चाइनीज या स्पेनिश नेम वाले होते हैं, बट वो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, वो आप क्यूरियस हो के तो आप चले जाते हो, बट अक्सर ऐसा होता है कि नाम उन्होंने बड़ा इस तरह करके रखा होता है, और जब आप जाते हो तो वो होटल अंदर से बड़ा देसी किस्म का आपके पास निकल आता है, ठीक है। तो जिस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, जिस टाइप का आपका मटेरियल है, उसी टाइप का आपने ब्रांड नेम रखना है, ठीक है। अब डालडा वालों ने कहा क्या था, काफी अरसे से चलता आ रहा है, तो उन्होंने डालडा का मतलब भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। बट बेसिकली उन्होंने क्या किया था, क्योंकि एक स्टेपल है, ऑयल है, एक अच्छा ऑयल है, तो उन्होंने ज्यादातर इसके अटैचमेंट मदर एंड वो जो बच्चे होते हैं तो इनके रिलेशनशिप पे मोस्टली कमर्शियल भी इनके बनते हैं और इसी तरह होते हैं, ठीक है। मदर्स हु केयर यूज डालडा, ठीक है, ये उनका स्लोगन है, ये उर्दू में हमारे पास जैसे है कि जहाँ डालडा वहाँ मामता, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज होनी चाहिए जिनकी कोई अटैचमेंट, कोई एफिलिएशन होनी चाहिए उस चीज के साथ, ठीक है। बेसिकली डालडा का क्या मतलब होता है, डालडा का बेसिकली मतलब है डेली एनालिसिस ऑफ लाइफ डिमांड्स फॉर एथलीट्स, ठीक है। बेसिकली जब ये ऑयल बना था, ये घी जब बना था, तो ये इस बेस पे बना था कि इतना अच्छा हो, इतना हेल्दी हो जैसे एथलीट्स के लिए हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे चोज द नेम डालडा फॉर इट, ठीक है। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द फूड, ठीक है, द नेम मस्ट शो इफ द फूड हैज गोन थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इस तरह फिर अगर आप कुछ चीज खरीदें तो लाइक मैं खुद से नाम बता देती हूँ आपको, हमारे पास लाइक क्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब किसी भी कंपनी के नाम लेकर उसकी ये चीज़ें हमारे पास, ठीक, जैसे हमारे पास ये जो है केएनएन वगैरह के, तो उनके क्या होता है कि या सॉरी बनी के सॉर्टेड कुकीज, ठीक है, तो वो उन्होंने सॉर्ट किए हुए थे, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग या स्पेसिफिकेशन अप्लाई की थी, वो लिख देना है। या फिर यहाँ पे है कि ड्राइड एप्पल स्लाइसिस, ठीक है, सॉर्टेड बनी बिस्किट्स, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, और भी स्पेसिफिकेशन हो सकती है आपके पास, ठीक है।
कोई एग्जाम्पल है तो मुझे बता दे, ठीक है? व्हाट अबाउट द पिक्चर एंड द नेम? ठीक है, पिक्चर एंड द नेम का वही बात है, रिलेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने मिसलीड नहीं करना अपने, आपकी जो पिक्चर है वो कंज्यूमर को मिसलीड नहीं करे, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये स्पार्टन का फुली कुक्ड की प्रिफ्रिजरेटेड मीडियम स्लाइस प्रीमियम स्लाइस कुक्ड है, ठीक है? ऊपर तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हुई है, फिर नीचे अगर आप देखें तो इन्होंने क्या लिखा होता है, वाटर एडेड, ठीक है? इसके अंदर इन्होंने प्रिजर्वेशन की हुई है, वाटर एड किए हुए, ठीक है? तो वो क्या है, बेशक आप एक नैरो लाइन करके लिखते हैं पर आप मिसलीड ना करें किसी को, और ये मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है? प्रीमियम साइल जो है फुली कुक्ड है पर उन्होंने इसके अंदर वाटर ऐड किया हुआ है, तो दैट इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रंट कॉन्टैक्ट, ठीक है? The list of ingredients, ठीक है? The ingredients list tells the consumer the ingredients that have been used in manufacturing the food, ठीक है? List of ingredients के अंदर क्या है? वो सारे ingredients आपने mention करने हैं, आपने कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ mostly आप देखिए जो pastas वगैरह हम लोग लेते हैं, जो जो instant noodles, इसके ऊपर इन्होंने monosodium mention नहीं किया होता, हालांकि इसके अंदर monosodium होता है, ठीक है? So if you are adding something you should mention it on the label, ठीक है? इस जो इंग्रीडियंट्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो इंग्रीडियंट सबसे ज्यादा अमाउंट में है वो आपने सबसे ऊपर लिखने, फिर उसके सेकंड में जो है फिर वो, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, ठीक है? आप देख ले, आप जब बिस्किट्स वगैरह लेते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या मैंशन होता है, वीट, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसके अंदर होते हैं, वीट, देन फैट, देन शुगर, देन द फ्लेवर्स एंड द स्टेबलाइजर्स, ठीक है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने हमेशा न्यूट्रिशन, सॉरी, फूड लेबलिंग करनी है, ठीक है? लिस्ट के अंदर प्रमिटेड एडिटिव्स के बारे में भी बात आपने मेंशन करनी है, ठीक है? फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट कोड होते हैं हमारे पास, ठीक है? यूज बाय, बेस्ट बिफोर द एंड एंड डिस्प्ले अंटिल, ठीक है? एंड दीज डिस्प्ले टाइप्स ऑफ डेट्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपके पास द टाइप ऑफ द फूड, ठीक है? उस फूड मटेरियल की कितनी शेल्फ लाइफ है, ठीक है? मिल्क के ऊपर आप लोगों ने अक्सर लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर, ठीक है? उसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने तक है, पर जब आप ब्रेड लेते हो, सैंडविच लेते हो, उसके ऊपर लिखा होता है यूज बाय, 24 घंटे की डेट होती है या 3 दिन की डेट होती है आपके पास, ठीक है? बेस्ट बिफोर मेडिसिन के भी ऊपर लिखा होता है मोस्टली, ठीक है? यूज बाय क्या है, यूज फॉर द फूड दैट आर माइक्रोबायोलॉजिकली हाईली परमिसिबल एंड माइट हार्म ह्यूमंस इफ कंज्यूम बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, ठीक है? ऑफन यूज फॉर चिल्ड फूड लाइक सैंडविचेस, फ्रेश जूसेस, फ्रेश मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है? एक तो आपके पास केन टाइप की प्रोडक्ट्स होती है ना, वो क्या होती है, बिकॉज दे आर प्रोसेस्ड, तो उनकी कोई 1 महीना 2 महीना शेल्फ लाइफ होती है, बट लाइक आप फ्रेश चिकन ले रहे हो कहीं से भी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम लिखा होता है कि इतने दिनों के अंदर आप यूज कर लें तो ठीक है, अदरवाइज इसके बाद इसके अंदर डिटोरिएशन होना शुरू हो जाएंगे, इट विल बी नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। बेस्ट बिफोर कहाँ लिखते हैं, रिटन इन द फॉर्म ऑफ डे, मंथ एंड ईयर, ठीक है? यूज फॉर द प्रोडक्ट्स दैट हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 3 मंथ्स और लेस, ठीक है? ब्रेड, बिस्किट्स, क्रिस्प एंड स्वीट्स, उनके ऊपर इस तरह से लिखा होता है, ठीक है? अब देखें, ये 10 अप्रैल है एंड 04, ठीक है? Best before end, ठीक है? Alternative to best before date, use for the products that have shelf life of 3 months. Best before या best before end is same, ठीक है? May be expressed in month or year, only format changes if इसके, ठीक है? बाकी चीज same है, या month and day में कर ले, या year और month में कर ले, ठीक है? Then nutrition fact, ठीक है? Nutrition fact क्या है और उनको आपको क्या चीजें mention करनी चाहिए, ठीक है? Nutrition fact में होना चाहिए आपके पास the number of serving in the container, ठीक है? Container के अंदर कितनी serving है वो आपके होनी चाहिए। Mention इसके बाद serving size of food in both a household measuring unit and its metric equivalent, ठीक है? मतलब इसका serving size है 1 cup, हम लोग घर में होते तो 1 cup ज्यादा इजीली समझ जाएगा, बनिस्पत या हम अगर 248 grams को सर्च करने शुरू करें, ठीक है? द टोटल कैलोरीज इन ईच सर्विंग इन द टोटल कैलोरीज फ्रॉम द फैट, ठीक है? ओवरऑल कैलोरीज या फिर फैट्स उसके अंदर कितनी कैलोरीज आएंगे वो मेंशन करना चाहिए। एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन इज लिस्टेड एज अमाउंट ऑफ परसेंटेज डेली वैल्यू टू रिप्रेजेंट पर सर्विंग, ठीक है? परसेंटेज फॉर्म में करना चाहिए, मतलब अगर टोटल
फैट की रिक्वायरमेंट 4 ग्राम्स है, तो 6% इज यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। इस तरह अगर सैचुरेटेड फैट की 2.5 ग्राम्स डेली रिक्वायरमेंट है, परसेंटेजेस आती है आप लोग को कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? नहीं मैम, ये सीख ले, ठीक है, कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आगे आप लोगों ने न्यूट्रिशन फिर डाइट प्लान्स वगैरह भी बनाने हैं, ठीक है। तो वो जितनी, ठीक है, जितनी डेली की रिक्वायरमेंट होती है और जितनी भी उसमें से आपकी उसमें से रिक्वायरमेंट निकल सकती है वो आपने फूड के ऊपर मेंशन करना है, ठीक है। Percent daily values are used to show how one serving of food fits into a 2000 calorie reference diet. ठीक है, जैसे ऊपर mentioned था 4 ग्राम आपको फैट चाहिए था, 6% वहां से मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रेशो देख लेंगे कि आपकी जो 2000 to 2200 तक आपकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल पर्सन की विद नॉर्मल BMI, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट से कितनी नीड है, उस तरीके से आप लोगों ने उस चीज को मेंशन करना है और आपने देखना भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इन परसेंटेजेस को फॉलो करते हैं और वो उसको एक्सीड नहीं करते, स्पेशली ये जो आपके पास मीडिया के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, एथलीट्स होते हैं, दे काउंट डाउन ऑन देयर कैलोरीज एंड देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी लिस्टेड ऑन न्यूट्रिशन फैक्ट्स पैनल इंक्लूड, ठीक है, उसमें फिर हर चीज के बारे में उसके ग्रुप के बारे में एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब टोटल फैट अगर लिखा है तो टोटल फैट की परसेंटेज अलग बतानी है, फिर टोटल फैट में से सैचुरेटेड कितना है, अनसैचुरेटेड कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है और ट्रांस फैट कितना है, ठीक है। फिर सोडियम, ठीक है, सोडियम तो खैर सिर्फ सोडियम ही है। कार्ब्स का अगर आप देखें तो डाइट्री फाइबर उसमें कितना है, शुगर कितना है, फिर प्रोटीन्स का देख लें। प्रोटीन्स में खैर आप मेंशन कर सकते हैं कि लीन प्रोटीन है या कौन सा प्रोटीन है। सेम गोज फॉर द विटामिन्स एंड द माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वो आपने स्पेसिफिकली उसके ऊपर मेंशन करना है उस चीज को। टर्म यूज्ड ऑन फूड लेबल्स, ठीक है, फूड लेबल्स के ऊपर कौन से टर्म्स यूज होते हैं? टोटल फैट, ठीक है, ऊपर लिखा होता है टोटल फैट, अमाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फैट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसमें उन्होंने परसेंटेजेस तो फर्दर लिखी होंगी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की, बट एक ओवरऑल एक कंबाइन भी लिखा होता है टोटल फैट, ठीक है। सैचुरेटेड फैट रेजेस बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड ट्रांस फैट रेजेस बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड लोअर्स गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। पोली से अनसैचुरेटेड फैट एंड मैंने अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। देन कोलेस्ट्रॉल मेंशन होते हैं बहुत सारी चीज जो आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए कि इन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई होता है ताकि वो वाली प्रोडक्ट्स यूज ना करें, ठीक है। फॉर सम पीपल ईटिंग फूड हाई इन कोलेस्ट्रॉल कैन रेज देयर बैड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी गुड होते हैं, जो एग के अंदर होते हैं, जो पीनट्स के अंदर होते हैं, जो एवोकाडोस के अंदर होते हैं, दे आर गुड फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। Facts on fat. To lower your fat intake, compare similar food and choose. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। जी बेटा। मैम, पॉली और अनसैचुरेटेड ये क्यों नहीं करते? ये मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या नहीं करते? मैम, ये पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड ये मैम क्यों नहीं करते? फैट्स वगैरह को बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो इंक्रीज करते क्यों नहीं करते बेटा? इधर मैंने सिर्फ मेंशन नहीं की, ये डिस्टरबेंस ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट लेवल के अंदर लाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स ऑन फैट, टू लोअर योर फैट इनटेक, कंपेयर सिमिलर फूड एंड चूज, ठीक है। करना क्या है, अगर आपने अपना फैट कंट्रोल करना है या कोई आपको ऐसी डिजीज है जिसके अंदर आपने फैट कंट्रोल करना है, तो आप जब मार्केट जाते हो तो आपने 2-3 फूड प्रोडक्ट्स डिफरेंट जो कंट्रीज के डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट फूड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबका कैलोरी काउंट सेम नहीं होता, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ों का सेम होता है बट मोस्टली ये होता है कि उसमें आपके पास वेरिफिकेशन होती है। मिल्क की एग्जाम्पल ले लें, फुल फैट, फैट फ्री, 1% फैट इस तरह, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फूड विद द लोअर कंबाइंड सैचुरेटेड इन ट्रांस फैट एंड द लोअर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फैट कंट्रोल करना है तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जिसमें फैट सबसे कम होगा, ठीक है। अगर लाइक सपोज आप दूध ले रहे हो, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क भी है और आपके पास होल मिल्क भी है और आपके पास 1% भी है और आपके पास स्किम भी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अब आप कितना उस बारे में सोचते हो और आपको अपनी हेल्थ कॉन्शियस कितने हैं, तो उसके मुताबिक आप लोग फिर वो करेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो आप लेंगे अपना।
और कौन सी टर्म्स यूज होती है डाइट, ठीक है, जैसे डाइट सोडास हमारे पास आते हैं, ठीक है। डाइट का मतलब क्या होता है, फूड डाइट इज ईदर अ लो कैलोरी और रिड्यूस कैलोरी, ठीक है, या तो उसके अंदर कैलोरीज होंगी नहीं, अगर है तो रिड्यूस की गई होंगी, ठीक है। लेट सपोज अगर वैसे हमारे पास 6% शुगर थे तो उसमें हो सकता है 4% शुगर हो या 2% शुगर हो, ठीक है। लो कैलोरी जिसमें से कैलोरीज कट डाउन की गई होती है, ठीक है, जिसमें मतलब जिन फूड आइटम्स के ऊपर लो कैलोरी लिखा होगा उसका मतलब होगा उनके उनके अंदर 40 से ज्यादा कैलोरीज पर सर्विंग नहीं है आपके पास, ठीक है। रिड्यूस कैलोरी होते हैं कंटेन्स 25% फीवर कैलोरीज पर देन अ रेगुलर प्रोडक्ट, ठीक है। फैट फ्री का मतलब होता है कि उसके अंदर 0.5 और लेस जो है फैट होगा पर सर्विंग, लो फैट में 3 grams होगा, कैलोरी फ्री कंटेन्स लेस देन 5 calories पर सर्विंग एंड शुगर फ्री कंटेन्स लेस देन 1/2 gram ऑफ शुगर पर सर्विंग, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर शुगर फ्री लिखा होता जरूरी नहीं होता कि उसमें से बिल्कुल चीनी जो है वो एलिमिनेट कर दी गई हो, उसके अंदर थोड़ा सा शुगरी टेस्ट आता है, इसका मतलब होता है कि 1/2 gram ऑफ शुगर इज स्टिल प्रेजेंट इनसाइड इट, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल शुगर्स होते हैं, ठीक है, जो वीटेबल बिस्किट वगैरह आप देख लें तो वो शुगर वाले तो खैर फील होते हैं, बट जो शुगर फ्री होते हैं वो भी कोई इतने फीके नहीं होते, वो क्या होता है, वो नेचुरल शुगर्स होती हैं, जो गंदम की अपनी शुगर्स होती हैं वो उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती हैं, रह जाती हैं, ठीक है। अच्छा, टर्म्स यूज ऑन फूड लेबल्स, ठीक है, टर्म्स यूज होती हैं एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, ठीक है, बहुत सारे चीजें जैसे हमारे पास बिस्किट्स की एग्जांपल लिख लें, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर और एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। व्हाट डज मीन बाय द एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सोर्स हम उस चीज के ऊपर लिखते होते हैं जिसमें कम से कम 20% वो चीज जो है वो अवेलेबल होती है फॉर डेली रूटीन, ठीक है। आप एक आम बिस्किट उठा लो, टक ले लो या फिर आप वीटीबल ले लो, तो वीटीबल जो है वो उसमें एक्सीलेंट सोर्स है, ठीक है, टक के निस्बत उस पर, टक के अंदर फ्लोर यूज हुआ है, वीटीबल के अंदर होल व्हीट यूज हुआ है और उसमें 20% जो है वो एक्स्ट्रा जो गंदम है आपके पास ज्यादा है, ठीक है। गुड सोर्स का मतलब होता है कि इसमें 10-19% ऑफ डेली वैल्यू पर सर्विंग हो सकती है उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की, ठीक है। हेल्दी, ठीक है, अलाउड ओनली अ फूड आइटम्स व्हिच आर लो इन फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम, इट इज यूजली यूज विद अप्रूव्ड हेल्थ क्लेम एंड ओनली एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, ठीक है। हेल्दी होल एंड हेल्दी चिकन की एग्जाम्पल ले लें आप लोग, ठीक है, चिकन वगैरह के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। देन वी हैव लाइट, ठीक है, चीजें आती है ना आपके पास, एक डाइट सोडा है, एक आपके पास लाइट सोडा होता है, ठीक है। सर्विंग प्रोवाइड्स 1/3 फीवर कैलोरीज और 1/2 द फैट ऑफ द रेगुलर प्रोडक्ट, ठीक है। लीन की एग्जांपल मीट में ले लेंगे, अ सर्विंग ऑफ अ कैलोरी लो फैट फूड प्रोवाइड्स 1/2 द सोडियम नॉर्मली प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह सोडियम भी उसके अंदर काम हो सकता है, वो एक सॉल्ट आती है ना, मुझे उसका नाम भूल गया, ब्लू से उसका पैकेट है, ब्लू से उसकी शेकर होता है, वो मोस्टली आजकल हम लोग ये जो फिब्रोसिस के पेशेंट होते हैं या कोलेक्टेसिस के पेशेंट होते हैं या जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनको हम लोग वो वाला सॉल्ट जो है रेफर करते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट इज लाइट इन कलर और टेक्सचर, जी पिंक सॉल्ट, बेटा मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। टर्म यूज ऑन फूड लेबल्स, ठीक है, रिड्यूस, रिड्यूस लिखा होता है मोस्टली मिल्क के ऊपर होता है, जो कंडेंस मिल्क होता है। कंडेंस मिल्क में दो टाइप्स होती है ना, एक रिड्यूस फॉर्म होती है उसकी और एक बिल्कुल उसकी होल फॉर्म होती है, ठीक है। रिड्यूस का मतलब होता है कि कंटेन्स 25% लेस ऑफ द न्यूट्रिएंट और कैलोरीज देन रेगुलर प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब जो रेगुलर प्रोडक्ट है उससे 25% उसके अंदर लेस न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। लो सोडियम, ठीक है, 140 milligrams और लेस ऑफ सोडियम पर सर्विंग, ठीक है, सोडियम लेवल्स कम कर दिए गए होंगे, वेरी लो सोडियम, ठीक है, 35 milligrams और लेस देन सोडियम पर सर्विंग, ठीक है। देन वी हैव एग्जांपल ऑफ लीन, जिसके अंदर 10 grams से ज़्यादा फैट नहीं हो सकता, 4.5 जिसके अंदर सेचुरेटेड होना चाहिए और 95 milligrams उसके अंदर होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल या फिर उससे भी लेस की सर्विंग होनी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा लीन होती है जिसमें नॉट मोर देन 5 grams ऑफ फैट, 2 grams ऑफ सेचुरेटेड एंड 95 milligrams ऑफ दी, जो कोलेस्ट्रॉल की रेशियो सेम रहेगी, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की कम ज़्यादा हो जाएगी लीन एंड एक्स्ट्रा लीन में, ठीक है। जीरो ट्रांसफैट, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफैट जो है वो भी बैड फैट बनाते हैं हमारे पास, ठीक है, तो लेस देन 0.5 grams ऑफ द ट्रांसफैट पर प्रेजेंट, ठीक है। ईवा जो हो गए या जो कैनोलिव है या करोली जो है, करोली वालों का होता है कि ट्रांस फैट फ्री उनका ऑयल है, ठीक है।
हेल्थ क्लेम्स, ठीक है, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर हेल्थ क्लेम्स करनी चाहिए तो खुद से नहीं बोल देना आप लोगों ने, हेल्थ क्लेम आपके पास किसी ऑथराइज जो सर्टिफिकेशन के थ्रू आप लोगों ने उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो हेल्थ क्लेमिंग करनी है, ठीक है। कैल्शियम लिंक टू ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, नेस्वीटा का अगर है तो उन्होंने उसके ऊपर क्या उन्होंने किसी ऑथराइज जो सर्टिफिकेशन है उनके पास है नेस्ले वालों के पास, इसी वजह से वो लोग नेस्वीटा को ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होती है। इसी तरह भी ऑलपर्स का आया है ब्लू कलर के, उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन है, एक्स्ट्रा कैल्शियम है, ठीक है। सोडियम लिंक विथ हाई ब्लड प्रेशर फूड मस्ट बी लो इन सोडियम, ठीक है, दो तीन किस्म के सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनके पास भी ऑथराइजेशन है, ठीक है। डायरी फैट लिंक विथ अ सर्टेन कैंसर फूड मस्ट बी लो फैट, ठीक है, इस तरह का उसी दिन नो मैंने उन्हीं दिनों आजकल भी देखा, मैंने एक मिल्क है जो कि स्पेसिफाइड है जिसके अंदर फैट लेवल बहुत ही कम है, और वो इस तरह के पेशेंट्स के लिए है जिनकी कोरोनल सर्जरी हुई होती है या फिर जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन के कैंसर्स वगैरह हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए वो जो मिल्क है वो अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा डाइट्री सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लिंक विद द कॉरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, सीवीडीज के साथ जो रिलेटेड है, तो उन्होंने लिखा होता है कि इसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है। डालडा वाले भी बोलते हैं, जितने भी आपके पास ऑयल वाले हैं वो लोग कहते हैं ना सेफ फॉर हार्ट, ठीक है, स्पेशली जो कैनोलिव वगैरह है वो सेफ फॉर हार्ट बोलते हैं विद जीरो ट्रांस फैट, ठीक है। फाइबर लिंक टू सर्टेन कैंसर फूड मस्ट बी लो फैट एंड गुड सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, उसमें फिर आप हस्क की एग्जाम्पल ले लें, आप उसकी एग्जांपल ले लें जो आपके पास वीट स्लाइसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रेनोला की एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिंक्स विद सर्टेन कैंसर, ठीक है, सिट्रस फूड या हो गया, ये जो कर्सिफ्यूरस वेजिटेबल्स हो गई हैं दे आर लिंक्ड विद कैंसर, ठीक है। फूड मस्ट बी लो फैट एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर, वाइटामिन ए एंड वाइटामिन सी होना चाहिए, बट वाइटामिन सी जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए सिट्रस लें, ठीक है, वाइटामिन सी आपके पास हर फ्रूट में अवेलेबल है, जो सिट्रस ना भी हो जो न्यूट्रल है उसके अंदर भी वाइटामिन सी जो है वो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। इसी तरह फिर आपने उसके ऊपर सिंबल्स और मोनोग्राम डालने ताकि आपके जो कस्टमर है उनको पता चल सके, ठीक है। वेजिटेरियन सिंबल, ठीक है, सिंबल इंडिकेटिंग दैट द फूड इज सूटेबल फॉर वेजिटेरियन, ठीक है, हमारे खान को तो इतना नहीं है, फॉरन आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोग बहुत ज्यादा वीगन होते जो आ रहे हैं, वेजिटेरियन टाइप पे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ये मेंशन होना चाहिए, ये वाला जो एक मोनोग्राम बना हुआ है ये उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। द इंग्रीडियंट्स मे नॉट नेसेसरीली बी सूटेबल फॉर वीगन्स हु डू नॉट कंज्यूम एनी एनिमल फूड, ठीक है। एलर्जन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एलर्जन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास कि इसके अंदर लैक्टोज के एडिशन है, इसके अंदर ग्लूटेन है या मिल्क है, तो भी होना चाहिए, अगर उसके बगैर है फ्री फ्रॉम दीज आइटम्स हैं तो वो भी आप लोगों को उसके ऊपर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। ग्लूटेन फ्री का सिंबल भी होना चाहिए आटा वगैरह के ऊपर, लेट सपोज अगर कोई बच्चा है या बच्चे जिसको ये इशू है और उसके पेरेंट्स अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो अगर इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का सिंबल बना होगा तो उनके लिए परचेजिंग ईजी हो जाएगा, उनका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, वो इजीली उसको लेके कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनिक लेबलिंग, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का एक लोगो है ये उन चीज़ों के ऊपर होता है जो चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं इन रियल, ठीक है, फ्रेश फ्रॉम द फार्म होती है, जिसके अंदर किसी भी किस्म कोई रेडिएशन वगैरह या प्रोसेसिंग नहीं की गई होती है, बिल्कुल फ्रेश होता है, किसी अच्छे हेल्दी सोर्स से लिया होता है, ठीक है। इससे मिचल्स वालों का देख लिए वो बोलते तो वो भी है फ्रेश फ्रॉम द फार्म, फ्रेश फ्रॉम फार्म, ठीक है, कैचअप के बारे में भी अपने और जैम्स के, बट इट इज नॉट फ्रेश फ्रॉम फॉर्म, क्योंकि जब कैचअप बनती है जैम्स बनते हैं तो दे आर प्रिजर्व्ड, दे आर नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, अब वो चीज़ें ऑर्गेनिक होती है, जैसे आपके पास किचन कुजीन है, ठीक है, उनके अपने जैम्स वगैरह बनते हैं और उनके जैम्स की अजीब सी बॉटलिंग बॉटल अजीब सी होती है, प्यारी सी क्यूट सी बॉटल होती है, वो उनका ऑर्गेनिक होता है क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद अगर उसकी एहतियात ना की जाए तो उसके अंदर स्पॉइल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सो इस तरह के ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप लोगों को अपने पैकेजिंग के ऊपर मेंशन करनी होती है, ठीक है। लिटरमैन सिंबल होना चाहिए, लिटरमैन सिंबल का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट सेफ है नहीं है, ये इसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, ठीक है। देखा होगा आपने मेजोरिटी चिप्स बिस्किट जितने भी होते हैं उसके ऊपर ये लिटरमैन बना होता है, ठीक है। फ्रीजिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेट सपोज अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने फ्रीज करना है तो उसके ऊपर फ्रीजिंग लेबल होना चाहिए, कीप इट फ्रोजन, ठीक है। हम वैसे भी हमें आइडिया होता है बट कभी कभार हमें आइडिया नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एक दफ़ा खोल के अगर आप फ्रीज करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ चीज़, चीज़ विल सर्वाइव मोर इन द फ्रीजर देन इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है।
तो उसके ऊपर कुछ चीजें के ऊपर ये मेंशन होता है कि आफ्टर ओपनिंग पुट इन द फ्रीजर, ठीक है, इस तरह के, और इस तरह का ये लोगो भी बना होता है उसके ऊपर। कुकिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कुकिंग इंस्ट्रक्शन आया ये माइक्रोवेव में बनेगा, आया ये चूल्हे में बनेगा, आया ये दोनों तरीके से होब एंड ओवन दोनों में बन सकता है, ठीक है। आप कैनन के प्रोडक्ट्स देखे थे यार, होब एंड ओवन, ठीक है, उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स चूल्हे में भी बन जाती हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो एट द सेम टाइम चूल्हे में बन सकती हैं और ओवन में भी बन सकती है, ठीक है। कितने टाइम कुक करना है, कितने टेम्परेचर पे कुक करना है, कितना हीट ये ले सकता है, कितने हीट पे बर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। माइक्रोवेव इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सपोज अगर कोई चीज माइक्रोवेव के अंदर रखनी होती है, जो केक मिक्स वगैरह आजकल हमारे पास आ रहे होते हैं, तो उनके ऊपर एक सारी इंस्ट्रक्शन इंग्रेडिएंट्स भी लिखी होती है इसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कितना प्री हीट करना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, कितने टाइम के लिए आप लोगों ने रखना है, ठीक है। माइक्रोवेव सिंबल इज ऑफन इंक्लूड अ पैक्स व्हेन द फूड इज माइक्रोवेवेबल, ठीक है। टिपिकली देयर आर आल्सो डिटेल्स ऑफ हाउ लॉन्ग और व्हाट पावर ऑफ फूड शुड बी हीट इन द माइक्रोवेव ओवन एंड सम फूड इज ऑलरेडी पैक्ड इन माइक्रोवेव कंटेनर्स, ठीक है। जैसे अभी वो किसके नूडल्स आ रहे हैं, वो नाम भूल गया, ठीक है, वो जो नूडल्स हैं वो ऑलरेडी उस कंटेनर्स के अंदर है जो जिसको आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं, या फिर हम अगर ये ऑनलाइन फूड वगैरह का मंगवाते हैं, दीज बिरयानीज और ऑल दीज थिंग, ठीक है, तो वो भी क्या होता है उसी कंटेनर के अंदर आप उसको माइक्रोवेव, कुछ उसमें माइक्रोवेव सेव होते हैं आप रख सकते हो, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज मैं कुछ बहुत ही डाउन थी क्योंकि बेटा मेरा गला खराब है और बहुत ज्यादा दर्द है मेरे गले में। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे बता दे। मैम हम लेनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं आप लोग? मैम बुक का पूछ रहे हैं। बुक अभी तक बेटा वो रिकमेंडेड बुक मैंने निकाल के रखी हुई है, मैं अपलोड करना भूल जाती हूँ, ठीक है। बुक बेटा अगर आपने लेनी है तो ले ले, वैसे मैं कह लूँ ना ही लेकिन कुछ मैसेज कुछ है नहीं इस बुक के अंदर। ओके मैम, आपके लेक्चर्स जो है वो इनफ है आपके पेपर के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, चले जी, चल 107 बच्चे प्रेजेंट है, चले बेटा टेनिस पे आते हैं, ठीक है। ओके, अस्मा अफजल, प्रेजेंट मैम, अभिया तारिक, प्रेजेंट, अभिषाय, प्रेजेंट मैम, अजील, प्रेजेंट मैम, आदिल व्यास, प्रेजेंट मैम, अदनान आरिफ, यस मैम, आमिना, प्रेजेंट मैम, अमारा सहर, आमना फारूक, अनीबा जन्नत, प्रेजेंट मैम, अनीका सैफ, अनीसा जब्बार, अक्सा मुख्तियार, प्रेजेंट मैम, अक्सा मुश्ताक, प्रेजेंट मैम, अनीबा जावेद, प्रेजेंट मैम, अनीबा जाहिद, प्रेजेंट मैम, अरीज फातिमा, प्रेजेंट मैम, अरीज सदाकत, प्रेजेंट मैम, अरीशा नदीम, प्रेजेंट, अरीशा यूनस, अरूबा नईम, प्रेजेंट मैम, अरूज फातिमा, अरसलान आसिफ, प्रेजेंट मैम, ओन अहमद, प्रेजेंट मैम, आयशा उमर, प्रेजेंट मैम, अस्का शहजाद, प्रेजेंट, बीनिस जहीर, बिरा हबीब, प्रेजेंट मैम, बिस्मा आमिर, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट, फरीहा नूर, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रेजेंट मैम, किसी ने बोली है अटेंडेंस स्पीच में? बीन इज द ही, प्रेजेंट मैम, बेटा अपनी कॉल पे अटेंडेंस दिया करें, ठीक है मैम, आपको शायद आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा बोल रही थी। फातिमा चुगताई, प्रेजेंट, फातिमा इफ्तिखार,
Present. Fatima Maqbool. Present, ma'am. Ghazia. Present, ma'am. Gulrukh. Present. Hadina Abid. Present, ma'am. Hafiza Manur. Present, ma'am. Hafiza Shireen. Present, ma'am. Hafsa Ikram. Present, ma'am. Hajra Zafar. Present, ma'am. Hajra Kashif. Present, ma'am. Hajra Azam. Hira Mehboob. Present, ma'am. Puriya. Present, ma'am. Mayo Iqbal. Present, ma'am. Hamna Atik. Present, ma'am. Ifra Ijaz. Present. Ikra Najib. Present. Ikra Rahman. Present. Ikra Riaz. Present. Ikra Shaleen. Present, ma'am. Iram Munir. Present. Irza Farooq. Present. Jannat Rashid. Kainat Fatima. Present. Kashish Faryal. Khadija Sajid. Present. Present, ma'am. Isma Ashraf. Present, ma'am. Laiba Usman. Laiba Yunus. Present, ma'am. Mahnoor Asif. Present. Maheen Shweb. Present, ma'am. Maheen Zain. Present, ma'am. Mahnoor Naveed. Present, ma'am. Mahnoor Talik. Present. Manahil. Present, ma'am. Maryam Shahid. Present, ma'am. Maryam Yaqub. Masuma Khalid. I'm also being at this one. I was present. Minal Taufik. Present. Minal Fatma. Minhal Sajid. Present. Mohammed Hamza. Present, ma'am. Mohammed Hassan. Present, ma'am. Mohammed Usama. Muskan Khalil. Present. Namra Riaz. Ma'am, Maryam Yaqub, present. Nida Afzal. Present, ma'am. Nimala Mubarak. Nimra Ashraf. Present, ma'am. Nimra Hayat. Present, ma'am. Nimra Razak. Present, ma'am. Nimra Rana. Present. Noor Fakia. Present, ma'am. Noor Fakia, Fatma. Present, ma'am. Dono present. Ma'am, 166 be present. Theek hai. Noreena Yasmeen. Kurutul and Saeed. Present, ma'am. Rabia Liaquat. Present, ma'am. Rita Zainab. Present. Rimsha Mubarak. Rimsha Suhail. Rumaisa Anik. Present. Rabia Imran. Present, ma'am. Saifa Zafar. Saira Amir. Present, ma'am. Saleha Shahid. Present. Sana Aruj. Present, ma'am. Sara Riaz. Present, ma'am. Do hai na? Ma'am, 8-9 present. 9-6 present hai? Yes, ma'am. Sayyid Atika. Present, ma'am. Seher Zaheer. Shaina. Present, ma'am. Sidra Tahir. Present, ma'am. Sitara Vakar. Present, ma'am. Salwa Asghar.
Present. Sumbul. Sumaira Nawaz. Present, ma'am. Sayyida Maryam. Sayyida Zuhruf. Sayyida Faiza. Tabassum Khalid. मैम सईदा फैजा शेख बेटा आप लोग सो रहे होते हैं जब मैं आप लोगों को कॉल करती हूँ तबस्सुम खालिद ताबिश हुसैन तस्मिया नास प्रेजेंट मैम तैयबा जावेद प्रेजेंट तैयबा जमान प्रेजेंट मैम नाजीम फातिमा प्रेजेंट मैम तहरीम खालिद Tehreem Kamran. Present, ma'am. Tuba Naz. Present, ma'am. Aruj Arshad. Aruj Fatima. Varda Rubam. Present, ma'am. Visha Asim. Sahid Hussain. Yes, ma'am. Yes. Zain Ali Abbas. Yes, ma'am. Yeah. Zainab Zaheem. Present, ma'am. Zubta Tahir. Ma'am, my net will be closed, so I'll send my friends to Sayyida Maryam Nizar. Sayyida, what? Sayyida Maryam Nizar. Sayyida Maryam Nizar. Ma'am, my net will be closed, Noreena Yasmeen. मैम इसका सेफ का भी लगा दे उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है सईदा मरियम जी मरियम के अलावा और कौन मैम हमारा सेफ मैम नौरीना यास्मीन अरे जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं ना हरकतें अपनी ठीक कर ले मैम अनीका सेफ प्रेजेंट पहले आप लोग का ध्यान नहीं होता आज आप लोग सबके नेट ऑफ हैं पूरा लेक्चर नेट ठीक होता है अटेंडेंस के टाइम बस कुछ हो जाता है ना मैम एग्जैक्टली इस तरह ये अपनी जो एसओपीज है ना ठीक कर लें मैं जितनी लीनियंट हूं ना फिर आप लोग का मुझे पता नहीं है शायद खिंचाई मैंने आपको किसी और जगह पर फिर निकालनी है अटेंडेंस की मैम साइफा जफर प्रेजेंट कौन साइफा जफर मैम ताबिश हुसैन भी प्रेजेंट मेरे जो लड़की का नाम है मुझे समझ नहीं आया आपका नाम मैम साइफा मैम अनीता साहब भी प्रेजेंट मैम ऐसा करें सिस्टम में प्रेजेंट आप लोग सो रहे होते हो जब अटेंडेंस में लगाती हूं